ग्लैम अप मैं हूं रूपा और आज मैं आ गई हूँ ओशिया हर्बल्स का पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक का ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ओशिया हर्बल्स कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के फेमस हर्बल ब्रांड है। ओशिया हर्बल्स के हर एक प्रोडक्ट 100% नेचुरल, क्रुएल्टी फ्री एंड वेगन है। तो हम हमारे स्किन केयर और हेयर केयर के लिए ओशिया हर्बल्स के हर एक प्रोडक्ट को यूज कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दिखा देते हैं आज का प्रोडक्ट। आज मैं रिव्यू करूंगी ओशिया हर्बल्स पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक का। इसका प्राइस क्या है, बेनिफिट क्या है, कितना क्वांटिटी का मिलते हैं, पूरा के पूरा डिटेल्स में शेयर करूंगी, कैसे यूज करना चाहिए वो भी दिखाऊंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, साथ ही साथ यूजफुल लगे, तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं बताती हूँ पैकेजिंग। देखिए पैकेजिंग तो इस तरह का ट्यूब पैकेजिंग में है, फ्लिप टॉप पैक है, पूरा का पूरा ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। ट्रैवल करने का टाइम लीकेज होने का चांसेस एकदम भी नहीं है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपके स्किन टाइप जैसे भी हो, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव कॉम्बिनेशन, आप आराम से ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। और आफ्टर 14 इयर्स बॉय एंड गर्ल्स बोथ ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और इसका प्राइस है बस 195 रुपीज फॉर 120 ग्राम। प्राइस के हिसाब से ये एकदम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। अगर आप लोग स्कूल गोइंग गर्ल्स या फिर बॉय भी हो तो भी इसको परचेस कर सकते हो। और ये एक क्रीम बेस्ड फेस पैक है, बहुत ही कम क्वांटिटी का लगते हैं। तो इस हिसाब से एक पैक आपका 3 महीना तक तो चली जाएगा, ये मैं क्लेम कर सकती हूँ। क्योंकि मैं जब यूज करती हूँ बस थोड़ा सा क्वांटिटी का लेती हूँ तो हो जाते हैं पूरे फेस के लिए। अगर आप लोग बॉडी स्किन पे भी यूज कर रहे हो तो भी 1.5 महीना तक चली जाएगा। और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, चलिए फर्स्ट में उसका बात करते हैं। इसके अंदर है पपाया एक्सट्रैक्ट एंड आमंड ऑयल। पपाया एक्सट्रैक्ट हमारे स्किन का जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करते हैं, स्किन से रिंकल्स को रिमूव करते हैं, स्किन को टाइटन रखते हैं, स्किन को ब्राइटन बनाते हैं, साथ ही साथ स्किन में अगर कोई छोटा मोटा स्पॉट है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। पिगमेंटेशन आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गए है, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं पपाया एक्सट्रैक्ट। और इसके अंदर पपाया एक्सट्रैक्ट है, ये पपाया एक्सट्रैक्ट ही इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। साथ ही साथ है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल हमारे स्किन को नरिश्ड रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं, साथ ही साथ स्किन को ब्राइट बनाते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं, स्किन में एक अलग सा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जो स्किन को और भी ज्यादा सॉफ्ट, सपल, स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। तो और क्या चाहिए एक फेस पैक से? अभी एक बात आ सकते है कि फेस पैक क्यों चाहिए? फेस वॉश, टोनर, सीरम, उसके साथ साथ मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये सब तो है ही, फेस पैक क्यों चाहिए? फेस पैक चाहिए क्योंकि हमारी स्किन कभी कभी अनइवन हो जाते हैं, छोटा मोटा स्पॉट रह जाते हैं, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स रहते हैं। साथ ही साथ अभी तो बाहर में धूल मिट्टी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गए है और सनरेज रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे रिंकल्स भी बहुत ही जल्दी आ रहे है, स्किन हो रहे है डल, ड्राई, डैमेज। इस टाइम में स्किन केयर का और एक स्टेप है फेस पैक। फेस पैक हमारे स्किन को अंदर से क्लीन करते हैं, साथ ही साथ स्किन में नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और स्किन को एक एक्स्ट्रा ग्लो प्रोवाइड करते हैं। और ऊपर में अगर कोई डेड सेल्स है तो उसको भी रिमूव करते हैं फेस पैक। हाँ, बस स्क्रब करने से डेड सेल्स रिमूव होते हैं, ये नहीं है। फेस पैक भी ऊपर का जो डेड सेल्स रहते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो इस हिसाब से फेस पैक चाहिए ही चाहिए। और ये फेस पैक बेसिकली बनाया हुआ है पिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन आजकल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन गए है, हर किसी के पास ही है और बहुत ही कम उम्र में आ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम से छुटकारा के लिए बहुत बार बहुत सारे फ्रेंड क्वेश्चन करते रहते हैं कि दी क्या करूं। तो आप लोग एक बार ओशिया हर्बल्स के पपाया क्लीन रेंज को ट्राई करके देख सकते हो, जिसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओशिया हर्बल्स का पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक। ये फेस पैक को आप लोग हफ्ते में 3 बार यूज करने का कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो 1 दिन जरूर यूज कीजिए। और इस जगह पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए ये तो ड्राई होने तक रखने के लिए लिखा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस 5 मिनट के लिए रखिए तो भी ये काम करते है, लेकिन उस टाइम आपको हफ्ते में 3 दिन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर टाइम नहीं है और स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किन केयर करना चाहते हो तो हफ्ते में 1 दिन अप्लाई कीजिए तो वो ही काफी है। चलिए ऊपर में क्या क्या लिखा है वो बता देती हूँ।
ओशिया हर्बल्स पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक। पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक। दिस एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक कंटेन्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड अदर प्रीशियस इंग्रेडिएंट्स दैट लाइटन द स्किन। जो मैंने बता दिया, स्किन को लाइटर बनाते हैं, ब्राइटर बनाते हैं और स्किन में एक अलग सा ग्लो प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। अगर मेलानिन प्रोडक्शन कंट्रोल में आएगी तो स्किन ब्राइट ऐसे ही हो जाते हैं। मेकिंग स्किन फेयरर एंड लाइटन फेशियल टोन। देखिए फेयरर, ये बात तो मैं कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ, हर एक वीडियो में बताती हूँ। देखिए स्किन ग्लोइंग होते हैं, ब्राइट होते हैं, स्किन जो है वो गॉर्जियस दिखाई देते हैं, इवन हो जाते हैं, लेकिन फेयर होते हैं, ये मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ और ये क्लेम भी नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें लिखा है। और ये टोन को, फेशियल टोन को लाइटन करते हैं। हाँ, टोन को लाइटन करते हैं, ये मैं मानती हूँ। एक बार यूज करने से आप लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन हाँ, ये एक हर्बल प्रोडक्ट है तो डेली बेसिस पे अप्लाई कीजिए तो रिजल्ट अच्छा मिलेगी। और अगर फर्स्ट डे में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको आप लोग स्किन में स्टे कराना चाहते हो तो भी आप लोगों को डेली बेसिस पे यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन यूज कर लिया, महीने में एक बार यूज करने से काम हो जाएगी, ऐसा नहीं होते है। और ये यूज करने के लिए फर्स्ट में फेस वॉश से स्किन को फर्स्ट में क्लीन करना है, उसके बाद अगर हो सकते हैं तो स्क्रब कर लीजिए, उसके बाद फेस पैक अप्लाई कीजिए। स्क्रब करने से स्किन से जितना भी धूल मिट्टी डार्ट पॉल्यूशन रहते हैं वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाते हैं, उस टाइम में फेस पैक अच्छे से काम कर पाते हैं। ये मेरी खुद की ओपिनियन है, खुद जो करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए इसका डिटेल्स में बता देती हूँ कि बेनिफिट्स क्या क्या है। एक तो स्किन को लाइटन ब्राइटन बनाते हैं, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ रखने में मदद करते हैं, और ये ऑल सीजन के लिए ही है। अगर सीजन विंटर है या फिर समर है या फिर बरसात के मौसम है तो भी आप ये फेस पैक को ट्राई करके देख सकते हो। साथ ही साथ स्किन इवन बनाते हैं, स्किन में अगर छोटा मोटा कोई स्पॉट है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, स्किन टोन को लाइटन रखते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। तो एक फेस पैक से और क्या चाहिए, पिगमेंटेशन को रिमूव करते हैं, स्किन को रिंकल फ्री बनाते हैं। तो मेरे लिए तो इतना काम काफी है, तो मैं ये प्रोडक्ट को एक थम्स अप दे ही देती हूँ। और चलिए अभी देख लेते हैं कि मैं कैसे ओशिया हर्बल्स के पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक को यूज करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए अभी अभी मैं मेरी स्किन को फेस वॉश से क्लीन करके आ गई हूँ ओशिया हर्बल्स का पपाया क्लीन फेस वॉश से, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। और अभी मैं मेरी स्किन में अप्लाई करूंगी ओशिया हर्बल्स का पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक। फेस पैक यूज करना बहुत ही जरूरी होते हैं, फेस पैक यूज करने से स्किन इवन हो जाते हैं, स्किन और भी ज्यादा ग्लोइंग ब्राइट दिखाई देते हैं, स्किन में अगर छोटा मोटा स्पॉट रहते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है पपाया, तो ये फेस पैक यूज करने से स्किन से रिंकल धीमे धीमे से रिमूव हो जाते हैं, और साथ ही साथ अगर स्किन में पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में मदद करते हैं। चलिए अभी अप्लाई कर लेते हैं। ये फेस पैक क्रीम बेस है और बहुत ही कम क्वांटिटी में लगते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। देखिए पूरा का पूरा क्रीम बेस है और बहुत ही कम क्वांटिटी में पूरे फेस हो जाते हैं, फेस नेक आप लोग पूरे अप्लाई कर सकते हो। और अगर हाथों में टाइम कम है तो बस 5 मिनट के लिए भी रख सकते हो। जैसे कि ये प्रोडक्ट सच में मेरी मम्मी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मम्मी का पिगमेंटेशन आ गए थे तो मम्मी बस 5 मिनट ही रखते हैं क्योंकि उनको लगते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं अभी 20 मिनट रखूंगी और उसके बाद ही रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि पैक के ऊपर लिखा है 20 मिनट रखने के लिए, लेकिन 5 मिनट रखने से भी काम करते हैं ये फेस पैक। देखिए बहुत ही कम क्वांटिटी में लगते हैं, हफ्ते में आप लोग 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, तो जरूर हफ्ते में एक बार अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। और आफ्टर 14 इयर्स बॉय हो या फिर गर्ल हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ मेरे स्किन में तो पिगमेंटेशन नहीं है, साथ ही साथ स्किन में रिंकल्स भी नहीं है, तो पपाया फेस पैक क्या मेरे लिए यूजफुल है? हाँ यूजफुल है, क्योंकि स्किन को इवन बनाते हैं, स्किन को ब्राइट बनाते हैं, स्किन से स्पॉट को रिमूव करते हैं और स्किन को टाइटन एंड लाइटन रखते हैं।
देखिए पूरे फेस पे अप्लाई हो गए हैं और अभी इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी 20 मिनट तक। 20 मिनट बाद मिलती हूँ। 20 मिनट तक आप लोग बातें कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रीम बेस है, प्रॉब्लम आने का बात नहीं है। आप लोग 20 मिनट बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं और ओशिया हर्बल्स पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक अभी ड्राई होना शुरू हो गए हैं और विंटर सीजन आ रहे हैं। इस टाइम में मेरी स्किन हल्का सा ड्राई हो जाते हैं, तो इस टाइम में मैं मेरी फेस पैक को नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर लूंगी। अगर आप लोगों का स्किन ऑयली या फिर नॉर्मल है तो पूरा ड्राई होने दीजिए, लेकिन अगर स्किन ड्राई है या फिर सेंसिटिव है तो इस टाइम में इसको वॉश कर लीजिए। अभी मैं मेरी स्किन को नॉर्मल वाटर से ऐसे अपवर्ड्स में साथ ही साथ क्रिस क्रॉस में मसाज करके ये फेस पैक को रिमूव करूंगी और आके दिखाती हूँ कि रिजल्ट क्या है। देख लीजिए, मैं अभी मेरी स्किन को नॉर्मल वाटर से वॉश करके आ गई हूँ और रिजल्ट तो आप लोगों के सामने ही है। स्किन कितना ज्यादा ग्लो कर रहे है, साथ ही साथ स्किन ब्राइट भी हो गए है और स्किन पूरा के पूरा क्लीन क्लियर एंड फ्रेश भी है। तो ये है मेरी आज की ओशिया हर्बल्स का पपाया क्लीन एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक का ऑनेस्ट रिव्यू साथ ही साथ डेमो। अगर पसंद आए है, यूजफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे ही वीडियोस रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।